चाइना के अंदर पावर आउटेज चल रहा है जिसकी वजह से केमिकल कंपनीज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब ऐसा क्यों धक्का लगा है? क्योंकि देखिए जनरली बिगनर्स का ये थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन रहता है कि चाइना के अंदर केमिकल की मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो रही है, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब्स बढ़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक ठीक भी है और मोस्टली ना ठीक भी है। तो ना ठीक वाले पार्ट पर चलते हैं। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, एक हो गया आरती इंडस्ट्रीज और एक हो गया हमारा दीपक नाइट्रेट। तो ये दोनों स्टॉक पूरे केमिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, केमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं, बट ग्रेजुअली अगर आपको ये सेक्टर लीडर स्टॉक्स के बारे में पता हो तो आप पूरे सेक्टर के अंदर एस कर सकते हो। और आपको कौन सा केमिकल सेक्टर के ऊपर इस तरह के चाइना के आउटरेज का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। तो दोस्तों देखो कमेंट क्या हुआ ना, चाइना के अंदर आउटरेज हुआ पावर सेक्टर का, जिसकी वजह से कई सारी केमिकल कंपनीज जो है उसने ना मैन्युफैक्चरिंग उनकी क्लोज हो गई। अब मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो गई तो इसकी जो है ना 25% जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो गई और इसका जो इफेक्ट है ना वो केमिकल कंपनीज को बहुत ज्यादा हुआ। अब दोस्तों देखो क्या हुआ ना, जनरली कोई भी कंपनी है वो है ना रॉ मटेरियल किधर और से प्रोडक्ट मतलब खरीदती है एंड देन वो इधर ही मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल आउट कर देती है। तो ये जो रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी है ना मोस्टली कंपनीज की है ना, आईटी की पकड़ लो और फिर बाद में आप फार्मा की पकड़ लो, देन अगर आप एफएमसीजी तो नहीं लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के मामले में पकड़ लो तो केमिकल के मामले में पकड़ लो, तो ये सारी चीज़ों का जो रॉ मैन्युफैक्चरिंग है ना रॉ जो रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। तो चाइना का अगर उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या अमेरिकन कंपनी हो। तो दोस्तों आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे, जो कंपनीज का पूरा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर थी उसको तो पूरी शटडाउन होने की कगार पर आ गई है, लेकिन दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज क्या उन्हें कुछ फर्क पड़ा है? ये कोई बाइंग सेलिंग और स्टॉक की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये इन जनरल एक कंपनी ओवरव्यू है। तो आप कंपनी ओवरव्यू में इंटरेस्टेड हो तो आप रुक सकते हो, वरना आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो आप रुक जाओ, मेरा गारंटी है कि आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। सो एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, छोटा वीडियो होगा, ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों देखो इन्होंने ना 25% इनका गिर गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा है ना ये आ जाता है अराउंड, अगर आप पकड़ो तो दीपक नाइट्रेट आ जाता है। तो दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पर क्या लिखा है, दीपक नाइट्रेट लुक्स एट चाइना एज एन अल्टरनेटिव सप्लायर बेस्ड ऑन प्राइजेस। तो अगर चाइना के अंदर प्राइस केमिकल की कम है, मतलब जो जिधर से दीपक नाइट्रेट अपना रॉ मटेरियल उठाता है अगर उधर थोड़ी प्राइस ज्यादा है और चाइना में वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है सो दीपक नाइट्रेट विल गो टू चाइना। बट चाइना इज एज लाइक अल्टरनेट सप्लीमेंट सप्लायर बेस्ड ऑन प्राइजेस, तो अल्टरनेट सप्लायर है, अगर हमें उधर चाहिए तो हम बाय कर लेंगे, वरना हमारे पास तो हमारे सोर्सेज है भाई, तो हम तो हमारे सोर्सेज से ही बाय करेंगे। सो ये एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो दीपक नाइट्रेट है ये चाइना के ऊपर तो मतलब डेफिनेटली बेस्ड नहीं है। अगर चाइना के अंदर आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है सो डेफिनेटली दे विल बाय फॉर इट, बिकॉज चाइना ऑब्वियसली जो बल्क में चीज बनाता है उसको तो एकदम सस्ते में ही मिलेगा ना, तो चाइना के अंदर कभी कभी सस्ते में मिल गया तो दीपक नाइट्रेट उधर से बाय कर लेता था। और अगर आप देखो सो वी डू बाय सम रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना बट नॉट फॉर अ सिंगल रॉ मटेरियल आर वी डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो दोस्तों ये लाइन में बहुत ज्यादा पावर है, उन्होंने क्या बोला कि हम रॉ मटेरियल बाय तो करते हैं चाइना से लेकिन हमारा एक भी रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है जो फुल्ली चाइना पे डिपेंड है। हमारा ऐसा नहीं है कि हम फुल्ली चाइना पे डिपेंड है, कोई एक छोटा सा या फिर बड़ा सा बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो डिपेंडेंट नहीं है। अभी अगर आप थोड़ा सा एकदम मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके जाता हूँ, मुझे भी केमिस्ट्री आती नहीं है लेकिन फिर भी फ्लूरो कार्बोनेट नाम की ऐसी कोई बड़ा सा नाम था उसका स्टार्टिंग फ्लूरो कार्बोनेट था, तो वैसी एक सप्लीमेंट थी जो एक कंपनी थी अराउंड 2012 के आसपास। तो ये कंपनी को है ना मतलब केमिकल कंपनी थी, सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो वो कंपनी को चाइना की वजह से है ना वो जो केमिकल था वो चाइना के अंदर ऐसे ही पावर आउटेज के कारण बंद हो गया था, तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं कह सकते लेकिन एक क्राइस भी हुआ था जो जनरली 2012-13 के आसपास हुआ था, तो उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया गया था बिकॉज बेसिकली वो एक मोनोपोलिस्टिक टाइप कंपनी थी एंड उसकी इतनी डिमांड मार्केट में नहीं थी, लेकिन वो चाइना के पे खैर शायद वो बंद हो गया एंड देन वो कंपनी को भी बंद करने की कगार पे आ गया था एंड देन ओवरऑल वो कंपनी चेंज हो गई, उसका उसने बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों ऐसा है ना कि चाइना पे या फिर किधर एक सिंगल वे ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम रखेंगे तो इसी तरह की हालत होगी। अगर हम देखें वी हैव हैड एज अ स्ट्रेटेजी ओवर द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ फोकस ऑफ डी रिस्किंग आर रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, टूडे नन ऑफ दीपक नाइट्रेट्स प्रोडक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द की रॉ मटेरियल्स, मेहता सेठ। तो इनके सीईओ और जो इनके
के डायरेक्ट ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने कह दिया कि हमारा एक प्रोडक्ट भी चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है, तो दीपक नाइट्रेट को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम आरती इंडस्ट्रीज़ की ओर आ जाते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ ने सबसे पहले की ही राउंड में कह दिया, आरती इंडस्ट्री केमिकल सेगमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू दी मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है, अगर आप देखो तो छः से सात साल पहले ये पूरा सेक्टर था ना, वो अराउंड अगर आप पकड़ो तो 18 से 19 हज़ार मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर था। तो स्टॉक्स की पी भी एकदम सिंगल डिजिट में थी और एट सिंगल डिजिट पी। राइट नाउ अभी के टाइम पर एनी थिंग डेट कैन गो राइट फॉर द सेक्टर इज गोइंग राइट। जो भी मतलब सेक्टर के लिए जो भी मतलब पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ना, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। दीपक नाइट्रेट एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आरती इंडस्ट्रीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और क्लीन साइंस टेक IPO एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो नाम आप ले लो सारे लोगों ने एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ दी है। और जो भी केमिकल सेक्टर की उसमें अगर आप हाथ डाल दोगे ना, केमिकल सेक्टर आपको गोल्ड बना के दे देगा। आपके पैसे को इधर से आप आलू डालोगे, उधर से सोना निकालोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ो तो मार्केट कैप ऑफ द एंटायर स्टॉक सेक्टर हैव मूव टू ₹4,50,000 crore. Investor have to put that into perspective. The news flows remains extremely strong, but the valuations are also capturing a lot of that. He explained, companies that can pass on this raw material price hike, the freight cost hike, the energy cost hike will be the ones that will come out as strong, and the smaller players will bear the brunt of the cost inflation. So, दोस्तों जिस तरह से अभी inflation चालू होगा ना, तो इन्होंने क्या बताया कि company जैसे ही बाहर आएगी ये raw material price के hike से, क्योंकि देखिए अभी रॉ मटेरियल क्या है ना, चाइना वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जब चाइना के अंदर बंद हो गया तो बाकी जो देश है उनके पास रॉ मटेरियल है, उनकी हाइक बढ़ जाएगी एंड उनकी प्राइस हाइक हो गई। सो आपको पता ही है छोटी कंपनीज को कितना ज़्यादा फायदा होगा, फर्क पड़ेगा, एंड ये छोटी कंपनीज को तो बंद होने की कगार पे भी आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बड़ी दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज ये तो उल्टा उनका मार्केट कैप्चर जो है ना वो करेंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के जगह पर जो इन्हें सप्लाई करती थी, मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनका भी जो शेयर है वो भी दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज के पास आ जाएगा, जो दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी बात साबित होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज भी अच्छा है और दीपक नाइट्रेट भी अच्छा है। और अगर इस तरह से जो केमिकल क्राइसिस है वो अगर चाइना के थ्रू चालू हो गए, तो फिर हमें इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिलेगा, लेकिन उनका जो बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ डेफिनेटली देखने मिलेगी। और टू बी फॉर श्योर मैं आपको ये डेट बता देता हूँ किस डेट पर ये हुआ था। तो आप देख सकते हो 5 अक्टूबर की न्यूज़ है, 2 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी। और केमिकल सेक्टर का हाल देख लेना आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक में से कोई भी एक स्टॉक है आप डेफिनेटली रहने दे सकते हो, लंबे समय के लिए ग्रो करेगा। एक क्वार्टर के लिए भी रखोगे तो भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि केमिकल सेक्टर हैज बीन अ गोल्ड जनरेटिंग सेक्टर फॉर यू, सो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। एंड आने वाला फ्यूचर भी केमिकल सेक्टर के लिए अच्छा ही माना जाता है।